हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके क्लास 10th सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत जो आपकी बुक लगती है भाग दो, उसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसका शीर्षक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो वनों से संबंधित है ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल में हिंदी माध्यम के सभी वीडियोस फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट हम भी हो सके वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियोज़ फ्री में प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर में जो भी शब्दावली हम आपको बहुत ही सरल ढंग से समझाएँगे। और बुक को आप ज़रूर पढ़ा करिए, पार्ट को ज़रूर पूरा पढ़ा करिए। उसको पढ़ने से क्या होता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इससे। तो आप लोग किताब को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप पढ़ सके ज़रूर पढ़िए, बहुत ही फ़ायदा होता है ये समझ लीजिए बुक को पढ़ने से। और क्वेश्चन आंसर तो हम करवा ही देंगे आपका। तो ये रहा अभ्यास आपके सामने प्यारे बच्चों, ये रहा अभ्यास आपके सामने। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पित प्रश्न है पहला नंबर। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हास्य का सही कारण नहीं है। अर्थात कह रहा है चार में से, जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक कारण है जिससे न प्राणी को हानि होती है और न वनस्पति पेड़ पौधों को हानि होती है। तो इसमें आपके चार ऑप्शन में से आपका खा नंबर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाए। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनसे वनस्पति जात और प्राणी जात को हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। अगर जो वनस्पति या प्राणी को हानि होती तो ऐसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई ही नहीं जाती। बाकी दूसरे ऑप्शन आप देख सकते हैं कृषि प्रसार, अर्थात जब कृषि का विस्तार करेंगे तो कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए आप लोग वन की कटाई करेंगे। बहुत सारे लोग वन की कटाई करते हैं, उससे क्या होता है प्राणी भी वहाँ से, जो जंतु होते हैं वो भी वहाँ से पलायन करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। पशु चारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करने में, तो ईंधन लकड़ी एकत्रित करने में क्या होता है कि पेड़ों को तो काटा ही जाता है, जब पेड़ कटेंगे वहाँ के तो वहाँ जो जीव रहते हैं, जब उनको रहने का स्थान नहीं बचेगा तो वो भी वहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे। और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, जब शहरीकरण होगा तो वहाँ के वन काटे जाएंगे, औद्योगिकरण होगा तो वहाँ के वन और वृक्ष जो पेड़ हैं बहुत सारे काटे जाएंगे बहुत आयत में, ठीक। तो वहाँ से पेड़ों को जहाँ हानि होती है वहाँ जीवों को भी हानि होती है। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो खा नंबर सही हो जाएगा, सरकार द्वारा चलाई जा रही बृहद स्तरीय परियोजनाएं। सेकंड नंबर अब देखिए, दूसरा नंबर है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो इसमें आपका उत्तर सही होगा फोर्थ नंबर, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। अर्थात वन्य जीव जो सेंचुरी हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पशु विहार है, उनकी सीमा को निर्धारण करना एक सामुदायिक तरीका नहीं है, सामुदायिक संरक्षण का तरीका नहीं है। अर्थात समुदायों द्वारा इनका संरक्षण नहीं किया जाता, इनको सरकार ही सीमा बनाती है और संरक्षित करती है। संयुक्त वन प्रबंधन नहीं है। चिप्पो आंदोलन एक सामुदायिक आंदोलन था जो पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन यह भी एक सामुदायिक आंदोलन था, ठीक। तो जो वन्य जीव पशु विहार है वो सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है और वनों को संरक्षित करने के लिए उनकी एक सीमा निर्धारित की जाती है। परिसीमन का अर्थ होता है यहाँ आपका, परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारित करना, सीमा निर्धारित की जाती है और उसके अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इसके अंदर मनुष्य अर्थात जो मनुष्य हैं वो न चारा गाह के लिए जा सकते हैं और ना वहाँ से लकड़ी ला सकते हैं, ना किसी भी जानवर को क्षति पहुँचा सकते हैं। तो ये चीज़ें इनके अंदर सेंचुरीज के अंदर होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर आपके अभ्यास का प्रश्न क्या है देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला कि निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल कीजिए, जोड़ी मिलाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझेंगे भी ये लुप्त क्या होता है, ये दुर्लभ क्या होता है, संकटग्रस्त क्या होता है, सुभेद क्या होता है और स्थानिक क्या होता है। इनके सभी के अर्थ को भी समझेंगे, आपको समझाएंगे एकदम सरल भाषा में।
तो देखिए जानवर और पौधों का इसमें दिया हुआ है, इसमें अस्तित्व दिया है, जोड़ी मिलाना है। तो फर्स्ट नंबर देखिए आपका क्या है, काला हिरण। तो काला हिरण किस कैटेगरी में आता है, तो आपका काला हिरण आएगा, देखिए काला हिरण का हो जाएगा फर्स्ट, पहले नंबर का आपका हो जाएगा संकटग्रस्त। तो इसके सामने लिखेंगे, काला हिरण के सामने लिखेंगे संकटग्रस्त। संकटग्रस्त का अर्थ क्या होता है समझेंगे थोड़ा सा, कि जो संकटग्रस्त है इसका अर्थ ये बोल रहा है कि जो काला हिरण है उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, उनके जो जाति है उनकी जो प्रजाति है वो संकट में है। ठीक, क्यों संकट में, काले हिरण का शिकार होने के कारण ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही है, जिसके कारण इनको संकटग्रस्त की सूची में रखा गया है। दूसरा नंबर देखिए एशियाई हाथी, एशियाई हाथी को क्या करेंगे, एशियाई हाथी है सुभेद्य, सुभेद्य। तो दूसरे नंबर के सामने आप लोग लिखेंगे सुभेद्य। ठीक, तो ये होगा आपका सेकंड नंबर का। तो सेकंड सुभेद्य का अर्थ होता है अर्थात आने वाले समय में, एशियाई हाथी सुभेद्य कैटेगरी में आती है। सुभेद्य का अर्थ होता है कि आने वाले समय में इसमें भी संकट आ सकता है, एशियाई हाथी की जो जाति है उसमें भी संकट आ सकता है। इस चीज़ को देखते हुए इनको सुभेद्य में रखा गया है, क्योंकि आने वाले समय में, सुभेद्य का अर्थ है आने वाले समय में इनको इस जाति में भी संकट आ सकता है, तो उनको रखा जाता है सुभेद्य कैटेगरी में। तीसरा नंबर देखिए अंडमान जंगली सुअर, तो ये क्या है, स्थानिक है, स्थानिक का अर्थ है उसी स्थान का, स्थानिक है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए हिमालयन भूरा भालू जो है वो किस में आ रहा है, वो दुर्लभ कैटेगरी में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का। हिमालयन जो हिमालय क्षेत्र का भूरा भालू है दुर्लभ क्षेत्र में आता है, दुर्लभ कैटेगरी में आता है, क्योंकि दुर्लभ ये बहुत ही मुश्किल में दिखाई देते हैं, जिस क्षेत्र में ये हैं उस क्षेत्र में भी ये बहुत मुश्किल में कभी कभी दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको दुर्लभ कैटेगरी में रखा गया, इनकी संख्या बहुत कम है। अगला नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर आपका गुलाबी सिर वाली बतख, जो बतख है ऐसी बतख जिसका सिर क्या है गुलाबी रंग का होता है, तो उसको रख दिया गया है लुप्त कैटेगरी में, अर्थात इनकी ये गुलाबी सिर वाली बतख बिल्कुल भी लुप्त हो चुकी है, ये कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो लुप्त कैटेगरी में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, जो अब एक भी जिनकी संख्या नहीं बची, उनको रखा जाता है लुप्त कैटेगरी में। पाँचवें नंबर के सामने आप लोग लिखेंगे लुप्त। तो ये हो गया टोटल आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मेल करें, तो इसमें भी जोड़ी मिलाना है। तो आपको फर्स्ट नंबर आरक्षित वन, आरक्षित वन में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ये होगा वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, अर्थात आरक्षित वन में जिन वनों को रखा जाता है बहुत ही मूल्यवान वन होते हैं, इसीलिए उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति को देखते हुए उनको आरक्षित वन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और कुछ नियम लगा दिए जाते हैं, ताकि इनको अब मनुष्यों से हानि ना हो, उनकी कटाई ज़्यादा ना कर सके और क्षति ना पहुंचा सके। सेकंड नंबर है रक्षित वन, रक्षित वन कौन से हैं, रक्षित वन है आपके वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है, वन भूमि अर्थात जंगली क्षेत्र जो है, वन क्षेत्र जो है और अधिक जो नुकसान से बचाई जा सके, इसलिए उन क्षेत्र को रक्षित वन में रख दिया जाता है, ताकि उनको और भी हानि ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुँचाते हैं, सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं मनुष्य, मनुष्य सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र और जीवों को हानि पहुँचाते हैं, इसलिए सरकार उनको रक्षित क्षेत्र में रख देती है, ताकि और अधिक उनको नुकसान ना पहुँचा सके। ठीक, अगला नंबर देखते हैं तीसरा नंबर अवर्गीकृत वन, अगर अवर्गीकृत वन ऐसे वन हैं जो कुछ सरकारी क्षेत्र में आते हैं, जैसे कुछ ऐसी भूमि है जो सरकारी क्षेत्र है जो किसी के कब्जे में नहीं है, कुछ व्यक्तिगत निजी व्यक्तियों के पट्टे में होती है उनके नाम से होती है, कुछ समुदायों के क्षेत्र में समुदायों के नाम पर होती है कुछ क्षेत्र, तो उनको अवर्गीकृत वन बोला जाता है, जिनका वर्गीकरण अभी ना किया गया हो, जो एकदम सामान्य स्थिति में हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपका जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है नीचे, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हम आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा देंगे, जैव विविधता क्या है,
यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आपको इसको सारे क्वेश्चन जो 30 शब्दों में लिखना है और इसको 120 शब्दों में लिखना है फिफ्थ नंबर। तो आप लोग व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सअप में पीडीएफ या फोटो के रूप में प्रोवाइड करवाई जाएगी एकदम अच्छा आंसर। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही फायदा होगा। सब्सक्राइब करने से मुझको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, हम लखपति हो जाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, बस हम आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप इतना ही समझिए। क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी इतना बड़ा वीडियो बना रहे हैं, आपको 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, तो इसको बनाने में कम से कम आधे एक घंटे समय इतना छोटा वीडियो बनाने में लग जाएगा, ठीक है? तो बात को समझिए, कोई भी आपके लिए फ्री में काम कर रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।